हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम अंतर में दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं एस बी अप्रेंटिसिप रिक्रूटमेंट के बारे में दोस्तों यहाँ पर जो अप्रेंटिसिप आई है एस में वो करीब इकसठ सौ पोस्ट के लिए आई है तो मतलब ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आई है, है। और जो भी लोग अप्रेंटिसिप के लिए अप्लाई करेंगे उनको एक साल की अप्रेंटिसिप प्रोवाइड की जाएगी और आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको एक साल की अप्रेंटिसिप प्रोवाइड की जाएगी ना कि ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है ये एक तरह से आपके लिए स्टेपिंग स्टोन होगा आपके लिए अगले अपने करियर ग्रोथ के लिए अगर आपको एस जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक साल के लिए काम कर लेते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा आपको प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट बैंक में काम करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों साथ में यहाँ पे है ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अप्रेंटिसिप प्रोवाइड की जाएगी साथ में यहाँ पे एक साल के अंदर आपको स्टाइपेंट दिया जाएगा वो वो है पंद्रह हज़ार का तो थोड़ा तो तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल्स हम लोग इस अप्रेंटिसशिप के बारे में दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों ये जो एस बी आई की अप्रेंटिसिप है इसमें करीब इकसठ सौ पोस्ट आई हैं जिसके बारे में अभी जो हमने बताया और इसमें जो जो बेसिक क्राइटेरिया है जो रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मात्र बैचलर्स डिग्री मतलब मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में अगर अपने बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हाँ लेकिन इसकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो बीस से अट्ठाइस साल है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी जो आपकी जो एज लिमिट है वो इकतीस अक्टूबर दो के अकॉर्डिंग इसमें कैलकुलेट किया जा रहा है तो आपकी एज है अट्ठाईस से ऊपर नहीं होनी चाहिए और इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जैसे इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो ऑलरेडी हमारा कल से चालू हो चुका है मतलब 6 जुलाई से चालू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए लास्ट डेट का क्यों इंपॉर्टेंट क्यों होती है क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो आपको मनपसंद सेंटर या फिर आपका जो वो मिलेगा नहीं जिसके कारण से आपको दूर भागना पड़ सकता है इसलिए आप जल्दी जा करके फॉर्म पहले ही फिल कर दीजिए इसकी जो ऑनलाइन पे, फी पेमेंट का डेट है वो छः तारीख से लेकर के छब्बीस सात तक की डेट है इसका और अगर इसमें जो अगर आप एप्लीकेशन प्रिंट करना है तो 10 अगस्त तक आप इसमें एप्लीकेशन इसका प्रिंट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर के और इसका जो मोस्ट पॉप्यू जो, जो एग्जामिनेशन डेट है वो इसका अगस्त 2021 में डेट है इसका मतलब कि ये एग्जाम इसका नेक्स्ट मंथ ही हो जाएगा अब हम लोग बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो दोस्तों पहले इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा तो यहाँ पे जनरल फिलेंसर एवेनेस पूछा जाएगा 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा 25 नंबर का क्यूए पूछा जाएगा 25 नंबर का रीजनेबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड पच्चीस नंबर का टोटल सौ नंबर का एग्जाम होगा जिसमें कि आपको पच्चीस पच्चीस नंबर के डिवीजन में ही पूरा पेपर लिया जाएगा लास्ट डेट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको ध्यान में रखना है छब्बीस तारीख है तो इसलिए आप जाकर के अभी ही फॉर्म भर दीजिए हमने स्टैपेंट के लिए बताया कि पंद्रह हज़ार आपको मिलेगा हर महीने पूरे साल एक साल के लिए और इसमें एप्लीकेशन फी है आपकी तीन सौ रुपये है फी जनरल ओबीसी बी कैंडिडेट के लिए बाकी एस सी के लिए ये है हमारा जीरो है मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन है मतलब आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है ना कि आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है एग्जामिनेशन का मोड क्या होगा पर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करेंगे उसके बाद आपकी लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगी दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात वो अभी हम लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो बताएंगे और उसके बाद आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगी ये तीनों में पास करेंगे तभी जा करके आप क्वालिफाई कीजिएगा ये यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की यहाँ पे लिंक दे रखी है यहाँ पे आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं चलिए हम लोग अब थोड़ा नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसमें बताया गया कि अप्रेंटिस एक्ट नाइनटीन के तहत यहाँ पर जो है इसमें अप्रेंटिसिप के लिए वैकेंसीज मांगी गई है तो इसमें खास बात क्या है कि कोई भी कैंडिडेट एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है मगर इसका मतलब ये हो कि आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं दूसरे स्टेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं क्योंकि अपना स्टेट देखना या फिर आपके बगल वाला स्टेट देखना जहाँ पर आपकी सेम लैंग्वेज बोली जा रही है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो वहाँ के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज़ देख सकते हैं आपके स्टेट वाइज वैकेंसीज़ दे रखी हैं और लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपको पास करना मैंडेटरी है अदरवाइज आपके सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं सिक्सटीन वन हंड्रेड वेकेंसी हैं दोस्तों और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइड भी वाइज भी वैकेंसीज यहाँ पर दे रखी है या आप देख सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं आपके स्टेट में आगे देखते हैं और इसकी मिनिमम एज के बारे में हमने बताया कि बीस साल है मैक्सिमम एज की अट्ठाईस साल है ग्रेजुएशन इसकी जो है क्वालिफिकेशन है और आपका ये स्टाइपेंड मिलेगा आपको लिए आपको पंद्रह हज़ार रुपये एक साल का और ये जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स एग्जामिनेशन सेंटर है जहाँ जहाँ एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप अपने जल्दी फॉर्म भरिएगा तभी जा करके आपको मनपसंद सेंटर मिल सकता है साथ में अगर आपको सेंटर भरते समय से ये इस बात का भी ध्यान रखना कि आप जो है सेंटर अपने मनपसंद का भरिए तभी और जल्दी भरिए तभी आपको मनपसंद सेंटर मिलेगा बाद में सेंटर चेंज करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा लास्ट में जो तो आपके एक तो उसमें आपको पास करना है अदरवाइज आपको ये सिलेक्शन ओवरऑल सिलेक्शन नहीं होगा तो ये भी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताया गया है कि कोई भी कैंडिडेट अप्रेंटिसिप एक्ट के तहत ये परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं है आपको एस बी आई ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता है उसको परमानेंट जॉब देने के लिए ये बस आपको एक साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो आपको अप्रेंटिस एक्ट नाइनटीन के तहत प्रोवाइड की जा रही है तो ये आपके लिए बढ़िया है किसी कहीं और जॉब में अप्लाई करने के लिए अब हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना है दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट आई बी पी एस ऑनलाइन आई डॉट आई बी पी एस डॉट इन की यहाँ पर जा करके आपको फॉर्म फिल करना है और सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है फिर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पे आप देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं तो अगर आपको डेट्स यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ जो जो हमने ऑलरेडी पहले बताया था सबसे पहले जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको एक एक यूनिक ई मेल और एक फ़ोन नंबर होना चाहिए तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बेहद ही इंपॉर्टेंट जानकारी अप्रेंटिसिप की तहत में जो, जो वैकेंसीज आई हैं एस में आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अप्लाई करने के तो बिल्कुल जल्दी जाकर अप्लाई कर, कर दिए क्योंकि लेट करने का कोई फायदा नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के में आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद